हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद समर में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ झारखंड लोक सेवा आयोग में आई असिस्टेंट इंजीनियर के भर्ती के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में इसी के बारे में सभी डिटेल्स आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल स्टडी विद समर को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर में शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों की पहुंचे और वो भी जान सके इस वैकेंसी के सिलेबस के बारे में। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं JPSC नई भर्ती 2019, जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर के सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा आपको और फुल सलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें आपको वैकेंसी डिटेल के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड PSC कंबाइंड असिस्टेंट इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2019। एडवर्टाइजमेंट नंबर होगा दोस्तों 5/2019। दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी महत्वपूर्ण तिथियों की, तो इसका आवेदन स्टार्ट हो रहा है 15 अक्टूबर 2019 से तथा इसके आवेदन की अंतिम तिथि है 11 नवंबर 2019। पेमेंट की बात करें तो दोस्तों, इसके फीस का भुगतान आप 13 नवंबर 2019 तक कर सकते हैं। बात करें दोस्तों इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की, तो इसमें जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए 600 रुपये, SC ST कैटेगरी के लिए 150 रुपये तथा PH कैटेगरी के लिए इसमें कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। और दोस्तों, इस फीस का भुगतान आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर ई चालान के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, तो यहाँ पर देख सकते हैं रिलेटेड ट्रेड में डिग्री होनी अनिवार्य है और या फिर इसके समकक्ष भी कोई डिग्री होनी अनिवार्य है। दोस्तों, एज लिमिट की बात करें हम, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो एज लिमिट है 21 से लेकर 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और उम्र की गणना 1 अगस्त 2019 के आधार पर की जाएगी। और इसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में छूट भी दी गई है, जिसमें SC ST के लिए 5 साल तथा OBC नॉन कैमिलियर के लिए 3 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी गई है। वैकेंसी डिटेल की बात करें हम, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 637 पदों पर है और यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेड वाइज वैकेंसी, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के लिए 228 वैकेंसी है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए 288 वैकेंसी सिविल में और मैकेनिकल में 84 वैकेंसी है, ड्रिंकिंग वाटर एंड स्टेशनर डिपार्टमेंट में 26 वैकेंसी है सिविल के लिए और मैकेनिकल के लिए 11 पदों पर वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स, चलिए आपको दिखाता हूँ मैं इसका ऑफिशियल सिलेबस। दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी सैलरी की, तो यहाँ पे सैलरी देख सकते हैं 9300 रुपये से लेकर 34800 रुपये होगा, इसके ग्रेड पे होगा 5400 रुपये। और दोस्तों, पद जो होगा ये परमानेंट स्थायी पद होगा, ये संविदा के आधार पर वैकेंसी नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अधिकतम उम्र सीमा के बारे में डिटेल्स है, वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जो इसके क्वालिफिकेशन होना चाहिए उसके बारे में डिटेल्स है, आरक्षण के बारे में जानकारी है, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें परीक्षा का स्वरूप जो होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयोग द्वारा सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति हेतु प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, जिसमें एग्ज़ाम होगा, प्री मेंस और इंटरव्यू होंगे। तो अगर हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा की, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा में 2 पत्र 100-100 प्रश्नों के होंगे और दोनों प्रश्न दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। और सामान्य अध्ययन के प्रश्न द्विभाषिक यानी कि हिंदी और अंग्रेजी में होंगे, जबकि ऐच्छिक विषय अभिनेत्रण के प्रश्न मात्र अंग्रेजी भाषा में होंगे। तो प्रश्न पत्र फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य अध्ययन 100 नंबर के लिए होगा, समय होगा 2 घंटा। पत्र सेकंड के लिए ऐच्छिक विषय अभियंत्रण संबंधित 200 अंक होंगे और इसके लिए समय होगा 2 घंटा। और इसका जो पाठ्यक्रम होगा दोस्तों, वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यह परीक्षा मात्र स्क्रीन टेस्ट होगी, इसका प्रत्यक्ष मेघा सेची निर्धारण में शामिल नहीं होगा। मुख्य लिखित परीक्षा कोटिवार रिक्तियों के विरुद्ध 10 गुना उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं प्री एग्ज़ाम होगा आपका केवल क्वालिफाइंग टाइप का होगा, इसके आधार पर आपकी मेरिट नहीं बनेगी। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मुख्य परीक्षा में 10 गुना अभ्यर्थियों को वैकेंसी के अनुसार चुना जाएगा।
अगर हम बात करें इसके मुख्य परीक्षा की, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा होगी, दो भागों में होगी। खंड एक में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे और खंड दो में परंपरागत प्रश्न होंगे। दोनों भाषाओं में संगत अभ्यंतरण शाखाओं जैसे कि असैनिक यांत्रिक अभियंत्रण का पूरा पाठ्यक्रम होगा। इस प्रश्न पत्र के निर्धारित स्तर का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मुख्य परीक्षा का विवरण यथा प्रत्येक विषय के निर्धारित समय एवं अधिकतम अंक नीचे की खंडिका दो में दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप सभी जानकारी देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए जो प्रश्न होंगे वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, सामान्य योग्यता परीक्षा होगी जिसमें भाग को और ख में सामान्य अंग्रेजी और सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न होंगे और समय होगा 2 घंटे और इसमें कुल आपको 200 नंबर दिए जाएंगे। दूसरा पेपर होगा दोस्तों असैनिक अभियंत्रण प्रश्न पत्र फर्स्ट से 2 घंटे 200 नंबर के लिए, और तीसरा प्रश्न होगा दोस्तों 2 घंटे का 200 नंबर के लिए। खंड दो की बात करें तो प्रश्न पत्र यहाँ पे देख सकते हैं, चौथा प्रश्न पत्र यानी कि चौथा भाग यहाँ पे देख सकते हैं, असैनिक अभियंत्रण प्रश्न पत्र फर्स्ट 3 घंटे का होगा और इसमें आपको 200 नंबर दिए जाएंगे। दूसरा जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा और 200 नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरह यहाँ पे कुल मिलाकर 1000 के नंबर के प्रश्न होंगे। यहाँ पे यांत्रिक अभियंत्रण से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये दोस्तों इसका पूरा ऑफिशियल सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूँ। और तीसरे भाग में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का व्यक्तिगत परीक्षण अधिकतम 200 अंक का होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आप मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा 200 नंबर के लिए। तो यहाँ पे आप सारी जानकारी उसके बारे में आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सब देख सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग का वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो JPSC असिस्टेंट इंजीनियर के भर्ती के सिलेबस के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।